अक्षय कुमार ने अब किस फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है? क्या होने वाला है इस फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? कब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी? कब ये फिल्म रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। अक्षय कुमार के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी कि वो आदमी रुकने वाला नहीं है। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेंडेमिक आ जाए या फिर तूफान आ जाए, अक्षय कुमार की स्पीड पर कोई रोक नहीं लगा सकता। और उन्होंने ये बात बार बार प्रूव की है, जैसे कि हाल ही में देख लीजिए, अभी तक किसी भी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की गई थी, किसी भी एक्टर द्वारा ये अनाउंस नहीं किया गया। आमिर खान कह रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा हम आराम से बनाएंगे, इसकी शूटिंग में कोई जल्दी नहीं है। वहीं राधे के सलमान खान भी कह रहे हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, पहले पेंडेमिक खत्म हो जाए उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। लेकिन अक्षय कुमार अब किसी चीज़ की नहीं कर रहे हैं और उन्होंने बेल बॉटम की शूटिंग के लिए उड़ान भरने वाली डेट भी बता दी कि जल्द से जल्द वो जाने वाले हैं। और ऐसे में अगर इस बीच उनकी इतनी सारी फिल्मों के भंवर के बीच एक और बड़ी फिल्म अनाउंस हो जाती है तो फिर तो कहना पड़ेगा कि अक्षय का कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, रक्षाबंधन के दिन एक बहुत बड़ी फिल्म अनाउंस कर दी है अक्षय कुमार ने, जिसका उन्होंने ट्विटर पर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये उनके साथ ये पहली बार हो रहा है जब वो किसी स्क्रिप्ट को इतनी जल्दी फाइनल कर रहे हैं, यानी स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा दम होगा, तभी जाकर अक्षय कुमार ने बस एक बार में पढ़ के उसे फाइनल कर दिया। और इस फिल्म का टाइटल होने वाला है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन ही इसे अनाउंस किया गया और इससे अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता था। तो रक्षाबंधन नाम की एक फिल्म आ रही है जिसमें अक्षय कुमार नजर आएंगे। तो चलिए आगे इस फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं, इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अक्षय कुमार के साथ अ कलर येलो प्रोडक्शन। वहीं आपको बता दें कि फिल्म की स्टोरी लिखी है हिमांशु शर्मा ने। फिल्म का टाइटल आपको बता दिया गया है रक्षाबंधन। और साथ ही इस फिल्म का पोस्टर भी एक रिलीज किया गया है जिसमें लिखा गया है सिर्फ बहने ही देती हैं 100% रिटर्न। वहीं आपको बता दें, ये फिल्म एक इमोशनल भाई बहन की कहानी लेकर आएगी। जैसे कि रक्षाबंधन टाइटल दिया गया है तो भाई बहनों की कहानी दिखाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म में कैसे बहने 100% रिटर्न देती है, इस बारे में दिखाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि ये फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है 5th of November 2021, यानी कि अगले साल दिवाली पर आपको रक्षाबंधन नजर आने वाली है। क्या बात! और इसके अलावा आपको बता दें कि अक्षय कुमार की सिर्फ यही फिल्म नहीं है, अक्षय कुमार बहुत सारी फिल्मों के साथ आपके सामने आएंगे और धीरे धीरे उनकी शूटिंग भी वो शुरू करने वाले हैं। जैसे कि अतरंगी रे हो गई, इसको आनंद एलरॉय डायरेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ 1.5 मंथ में वो इसकी शूटिंग जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। और उनका जो है बहुत छोटा रोल होने वाला है लेकिन बहुत अहम रोल होने वाला है, और इस रोल के लिए उन्होंने 27 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसका सीक्वेंस जो है एक ही सीक्वेंस में इसे शूट कर दिया जाएगा और एक बैकवर्ड जगह की कहानी इस फिल्म में दिखाई जाएगी, तो बहुत जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग ख़त्म भी हो जाएगी। वहीं अक्षय कुमार की जो अपकमिंग फिल्मों की लाइन में बहुत ज़्यादा फिल्में हैं, जैसे कि बेल बॉटम, पृथ्वीराज और इसके अलावा बच्चन पांडे, लक्ष्मी बॉम्ब जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है, वहीं सूर्यवंशी जो कि अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, मार्च में रिलीज़ होने वाली थी लेकिन पेंडेमिक के चलते वो रिलीज़ नहीं हो पाई। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि सूर्यवंशी राधे के साथ रिलीज हो सकती है और इसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि एक बार वो पर्दे पर अक्षय कुमार और सलमान खान की भिड़ंत जरूर देखना चाहेंगे। और सबको, जो अक्षय कुमार के फैंस है और जो सलमान खान के फैंस है, उनके बीच भी एक जंग छिड़ गई है, क्योंकि अक्षय के फैंस का मानना है कि अक्षय कुमार की ही फिल्म सूर्यवंशी जो है वो बाजी मार ले जाएगी। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? साथ ही ये बताइए कि अक्षय कुमार की अगली फिल्म रक्षाबंधन का आपको कितना इंतजार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।